जहाज से उतरने से पहले आपको अपना कोविड टेस्ट तो कराना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आपका कोविड टेस्ट नहीं होगा तो साइन अप नहीं होगा। तो अपना मुंह खोल के सांस तो ले लेता। ओके वेरी अनकंफर्टेबल बट ये थे हमारे जहाज के सेकंड ऑफिसर हर्ष सोलंकी। ही आल्सो साइंड ऑफ विद मी और ये हमारी राइट ऑरिक्स। ये हमारे नए कैप्टन साहब फरुख मुकदम, हमारे साथ पहले इसी जहाज पे चीफ ऑफिसर थे और बेचारे को आखिरी वक्त तक मैंने ये ताने दे देकर मार दिया कि इसने मुझे ऑरिक्स में साइन ऑफ करवाया। सुब्रत इसको रोजाना याद कराते रहना कि अपने रिलीवर को तुमने ऑरिक्स में उतारा था। Both bags already there? Yes, already there. Already. चलिए अब आपको बताते हैं कि Oryx की कहानी है क्या और हमें क्यों ये सख्त किस्म की नापसंद है। एक तो ये है टग बोट, तो लिहाजा इसमें कंफर्ट का आंसर तो है नहीं। एंड सेकेंडली द स्पीड इज सो स्लो कि 15 या 16 मील का सफर ये बोट 3-4 घंटे में तय करती है। यार तुम लोग खुश क्यों हो रहे हो यार? And it looks like देवराज, सुब्रत, फरुख, everyone is enjoying when I'm going in Oryx. सही है भाई, सही है। इनको मजे आ रहे हैं। And finally, it is time to say goodbye to my ship. Okay. अच्छा भाई चीफ साहब। कैप्टन साहब। अल्लाह हाफिज। Okay boys, thank you. Thank you. इस बार मैं वाकई बहुत खुश था बिकॉज ऑन शिप आई स्पेंट ऑलमोस्ट 8 months। ऑलमोस्ट का लफ्ज़ इसलिए कि सिर्फ 3-4 दिन ही कम थे 8 महीने पूरे होने में। लेकिन फिर भी आप जो मर्जी कहें, 8 महीने आपने जिस जहाज़ पे वक्त गुजारा हो, दैट शिप इज़ लाइक अ सेकेंड होम टू यू। आपका दूसरा घर वो बन जाता है। शिप की आप केयर करते हैं, ख्याल रखते हैं, उसकी एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, आपको अपने जहाज़ से मोहब्बत हो ही जाती है। Or at least that is the case with me. I don't know about the rest. I saw some people who were very happy to sign up from the ship, and please don't get me wrong, I am as well. But at the same time, it feels like insaan apna ghar chhod ke ja raha hai. Bye bye. This ship had been my home for the last 8 months. Is jahaz par humne acha waqt guzara, mushkil waqt guzara, vetting inspections karwai. We had tough times. There were some people who were caught on the ship while they had troubles at their home or wo covid ki wajah se ghar nahi ja sake, including me. I also had issues but I could not go home, but still this was my home, and in a way it will always remain like that. Thank you boy. By the way, ye personal basket hai jisme sawar hokar aap jahaz se niche utarte hain because a ship bye mada remember is quite high. बातों में मैं आपको एक चीज़ से बताना भूल ही गया। आई वॉज बेसिकली साइनिंग ऑफ फ्रॉम फुजैरा। फुजैरा इज़ अ पोर्ट ऑफ UAE दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यकीन माने इंतहाई खुशी हुई ये जानकर जब हमें ये पता लगा कि फुजैरा ने साइन ऑफ ओपन कर दिया है। आई स्पेंट 8 months ऑन दैट ट्रिप। Eight months, yes. Sure. यकीन माने इतना प्यार फुजैरा पर कभी पूरी जिंदगी में नहीं आया जितना उस दिन आ रहा था। This is probably the first thing that could happen to anyone who is signing off. मुझे लग ही रहा था कि स्टार आएगी। स्टार इज अ स्पीड बोट, इट इज ऑब्वियसली वेरी फास्ट। लेकिन आई है मुझे उठाने के लिए Oryx. Oryx इज अ स्लो मूविंग थिंग और हम ऑलरेडी जो है वो तकरीबन आधा घंटा हो गया है। मेरे ख्याल 2 घंटे और लगेंगे इसको पहुँचने में। वेरी स्लो, बहुत स्लो है। और जहाज से साइन ऑफ के बाद मिला एक प्लेजेंट सरप्राइज। ये जो आपको जहाज खड़ा हुआ नजर आ रहा है जिसका नाम है Felicity, इसका सिस्टर शिप मैं सन 2014 के आसपास कर चुका हूँ। द नेम ऑफ दैट शिप वॉज कमांडर एंड कॉन्फिडेंस। दो जहाज किए थे एक्चुअली। दे वर वेरी नाइस एट दैट टाइम एंड आई रियली हैव सम गुड मेमोरीज ऑफ दोज शिप्स। अभी का पता नहीं कैसे हैं। और वो कहते हैं ना जी कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो फिलहाल वी आर एबल टू सी द माउंटेंस ऑफ फुजैरा। ये जितने भी पहाड़ आपको नजर आ रहे हैं सारे फुजैरा के हैं। पहाड़ फुजैरा के सारे ड्राई हैं। और अगर मैं कुछ अर्सा पहले तक की बात करूं तो फुजैरा में शोर लीव पे जाकर कोई खास मज़ा आता नहीं था। इट यूज़ टू बी अ लॉट हॉट और इतना ज़्यादा आबाद भी नहीं था। लेकिन इन द रीसेंट ईयर्स द थिंग्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। अब फुजैरा बहुत डेवलप हो चुका है, काफ़ी बड़ी पोर्ट बन चुकी है, स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। जहाज पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ आप जो भी कहना चाहें वहाँ से आते जाते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, अपने आप को रिप्लेनिश करते हैं, बंकर लेते हैं। जहाज इंडियन ओशन से चाइना की तरफ से आते हुए यहाँ पे रुकते हैं और बंकर लेते हैं। अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। फुजैरा हैज़ रियली डेवलप्ड अ लॉट। और मैंने आपको कहा था ना और इसने 3-3.5 घंटे ले लेने। 3 घंटे गुजर चुके हैं और बिलाखिर हम आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता
एयरपोर्ट के करीब होते जा रहे हैं। तो साइन ऑफ के बाद के प्लान्स का आधा बेड़ा तो और इसने कर कर दिया। अब मेरे पास टाइम बचा कहाँ है फुजैरा में घूमने का और वो काम करने का जो मैं करना चाहता था। नॉट पॉसिबल। आखिरकार जनाब फुजैरा पोर्ट का ब्रेक वाटर नज़र आना शुरू हुआ एज़ यू कैन सी इन दिस वीडियो, और फाइनली हम लोग फुजैरा पोर्ट के अंदर दाखिल हुए। लेकिन इतनी ज़्यादा देर होने का मतलब ये था कि अब मैं फुजैरा में बाहर जाकर अपनी मर्ज़ी की शॉपिंग भी नहीं कर सकता, अपने उन दोस्तों से भी शायद मैं ना मिल पाऊँ जिनसे मैं मिलना चाहता था, एंड एट द सेम टाइम आई हैव टू रियली हरी अप क्योंकि आगे 2 घंटे की ड्राइव है दुबई तक। और फिर जनाब एग्जैक्टली वही काम हुआ, भागम भाग इमिग्रेशन क्लियर कराई, डॉक्यूमेंटेशन पूरी की और भाग पड़े दुबई की तरफ बिकॉज रास्ता लंबा और वक्त कम। वैसे अपने 20 साल के करियर में मैंने कभी दुबई एयरपोर्ट को इतना वीरान और सुनसान नहीं देखा जितना मैंने इस बार देखा। सब करामात है जनाब कोरोना वायरस की। फ्लाइट आगे एमिरेट्स की थी, बोइंग 737, द यूजुअल स्टफ, नथिंग एक्साइटिंग, इट वॉज ऑल जस्ट नॉर्मल। और मज़े की कहानी तो मैंने अभी आपको बताई नहीं। हम चले गए एज यूजुअल एमिरेट्स के काउंटर के ऊपर, और जाते ही हमने अपना पासपोर्ट प्रेजेंट किया, हमने प्रेजेंट किया अपना टिकट, और हमने उनको कहा कि जनाब हमें अपग्रेड कर दीजिए फौरन, बल्कि फौरन से भी पहले बिजनेस क्लास में। एंड यू नो व्हाट, इट वाज शॉकिंग टू मी टू नो कि लाहौर तक बिजनेस क्लास की अपग्रेड के लिए उन्होंने मुझसे $900 मांगे। $900 आज तक कभी किसी एयरलाइन ने मुझसे बिजनेस क्लास की अपग्रेड के इतने पैसे नहीं मांगे, और वो भी इतनी छोटी सी फ्लाइट पे। अगेन कोरोना की करामात। और फिर जैसे होता है लौट के बुद्धू घर को आए, हम भी गए सीधे इकॉनमी क्लास में, चुप करके मास्क चढ़ाया और अपनी सीट पर बैठ गए 2.5 घंटे गुजारने के लिए। बाकी की फ्लाइट अल्लाह का शुक्र है आराम से गुजर गई। इट वॉज ऑल नाइस एंड फाइन एंड आई वॉज रियली एक्साइटेड टू लैंड एट अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल। आफ्टर लैंडिंग The family was there. I just sat down in my car and drove straight to my home. It was my brother who came to pick me up. And it felt really nice to meet my family after such a long time. Ghar pahuncha, bachchon ki excitement hi aur thi. They had decorated the complete house, full house. और स्पेशली एंट्रेंस के ऊपर उन्होंने बड़ा बड़ा लिख के लगाया हुआ था वेलकम होम बाबा जानी।